हॉकी के जादूगर कहलाए जाने वाले मेजर ध्यानचंद की 117वीं जयंती पर खेल दिवस के रूप में सुराना कॉलेज ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 117वीं जन्मदिवस के अवसर पर उनकी याद में खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खेल युवा कल्याण विभाग और श्री रतन चंद सुराना कला एवं वाणिज्य शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी खिलाड़ियों एवं हॉकी खिलाड़ियों, फुटबॉल खिलाड़ियों, खो खो खिलाड़ियों, कबड्डी खिलाड़ियों का सभी खिलाड़ियों के द्वारा मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए सुबह सुराना कॉलेज ग्राउंड से प्रभात फेरी निकाली गयी। ये प्रभात फेरी केराबाड़ी से हॉकी मैदान और शीतला मार्केट होती हुई वापस ग्राउंड में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनुरा शामिल हुए, वहीं अल्ताफ अहमद सहित जिला खेल संघों के खिलाड़ी एवं कोच उपस्थित रहे। साथ ही सभी कोचों को स्मृति चिन्ह एवं खिलाड़ियों को इनाम दिया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण मोरा ने कहा कि विद्यालय के खेल मैदान में बने स्टेज के ऊपर शेड निर्माण के लिए 2,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही एल्डरमैन रत्ना नारम देव ने भी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए खेल मैदान में वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। इस संबंध में न्यूज टीम को पहुँचे अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हॉकी के जादूगर जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, उनका आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हमारे शहर के सभी खिलाड़ी नेशनल स्कूल के ग्राउंड में हमारे जिला हॉकी संघ के मार्गदर्शन में उपस्थित हुए हैं। सभी खिलाड़ियों के मन में एक उत्साह है कि हम भी कुछ ऐसा कर दिखाएं जिसे लोग याद रखें और हिंदुस्तान याद रखे। तो मेरा सबको आशीर्वाद है कि सब अपने खेल क्षेत्र में आगे बढ़ें और ग्रुप का नाम, प्रदेश का नाम और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। साथ ही हमारे हॉकी संघ के अध्यक्ष ने यह बात कही कि एस्ट्रोटर्फ की घोषणा यहाँ पर हुई थी। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस दिशा में गंभीरता लेते हुए, क्योंकि ग्रुप में खिलाड़ियों की कमी नहीं है और एक अच्छे हॉकी मैदान की आवश्यकता है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले प्रवास के दरमियान की थी 10 करोड़ रुपये की। अब जिला प्रशासन का यह दायित्व है कि वो पूरा प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि उसको स्वीकृति मिले और निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। हॉकी संघ ने एक और मांग की कि इस खेल मैदान में एक मंच की आवश्यकता है। हमने विधायक निधि से उसमें 2,00,000 रुपये देने की घोषणा की है और बहुत जल्दी इस मंच का निर्माण यहाँ पर कराया जाएगा। हमारे बहुत महान दादा ध्यानचंद जी का बर्थडे भी है और हम इसको खेल दिवस के उसमें मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एक खेलने वाले को, शुरुआत करने वाले को पता होना चाहिए कि इस दिन का क्या महत्व है। तो वो इससे एक हम नया अपना एक संकल्प लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया है वही हमें करना है और इनकी क्या पहचान थी, इन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, जो जिसके लिए हम खेल दिवस मनाते हैं। तो और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जो भी बिग अचीवमेंट जो होता है, जो इसी दादा जी के ध्यानचंद जी के जन्मदिन में ही हमारा होता है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सम्मान हो, चाहे नाम हो, चाहे एक कोई डे स्पेशल डे बना दिए खेल दिवस एक खिलाड़ी के लिए, जैसे हर एक देश होता है, तो हमारे लिए भी एक दिवस है खेल दिवस, और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है हर एक खिलाड़ी के लिए। और आज के दिन हर प्लेयर बहुत खुश रहता है, तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। खेल ग्राउंड के हर जगह थोड़ी बहुत हर जगह कमी रहते रहती है, लेकिन मैं तो बस एक एक कहूँगी कि जहाँ भी बच्चों को जो मिलता है खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, जब हमने खेलना शुरू किया तो कुछ इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत सुविधा है और आज के टाइम में सरकार बहुत सुविधाएँ दे रही है, और कई लोग, चाहे वो छोटे सदस्य रहे, चाहे बड़े रहे, चाहे विभाग से रहे, कोई भी रहे, सब सपोर्ट करते हैं प्लेयरों के लिए। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि प्लेयरों को भी थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ परसेंट मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे आपको हर चीज़ मिलेगा। खेल के नाम से भी जाना जाता है और सुराना कॉलेज का जो ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने खेल कला का प्रदर्शन किए और पहुँचे हैं। और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और ध्रुव में खिलाड़ियों में एक बहुत अच्छी बात है कि आपस में सब मिलजुल कर खेल को खेल भावना से खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि खिलाड़ियों को जो कमी बेशी होती है उसको पूरा करें, ताकि हमारे शहर के खिलाड़ी
और आगे जाते जाए। ये हम लोग तो हर बार से यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं और पूरा देश मनाता है। तो हमारे दुर्ग शहर में भी ये परंपरा बहुत सालों से चालू है और इस खेल दिवस में आज सभी खेल के बच्चे यहाँ इकट्ठा होते हैं और उनकी एक प्रभात फेरी निकलती है सुबह। फिर उसके बाद ये जितने भी खेल वाले हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, इनकी प्रतियोगिताएं करवाई जाती है जो दिन भर यहाँ पर चलती है। उसके बाद इन बच्चों का सम्मान किया जाता है और खेल दिवस हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ यहाँ पर मनाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।